हिमाचल प्रदेश में ओबेरॉय ग्रुप को तगड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने ओबेरॉय ग्रुप के वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल को अपने कब्जे में ले लिया है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब ये होटल सरकार का हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। होटल को लेकर एक्शन हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद HPTDC और जिला प्रशासन का भारी पुलिस बल छरबड़ा पहुंचा और होटल पर कब्जे की कार्रवाई की गई। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री इस बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कहा है उन्होंने, अब हम ये आपको सुनाते हैं। एक आज बहुत महत्वपूर्ण घटना हिमाचल प्रदेश की शिमला में हुई है, जिसमें आपको मालूम है कि बहुत लंबे अरसे से जो हमारा वाइल्ड फ्लावर हॉल है, जो हिमाचल टूरिज्म की प्रॉपर्टी हुआ करती थी और वो सिस्सल ग्रुप और ओबेरॉय होटल के साथ एग्रीमेंट हुआ था, पार्टनरशिप में हुआ था, मगर पिछले 25-30 सालों में उन्होंने हिमाचल सरकार को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कुछ भी नहीं दिया था और बहुत लंबे अरसे से ये केस जो है कोर्ट में लटका हुआ था। कुछ समय पहले हिमाचल सरकार ने जो है उस केस को जीता और कल जो है वो होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को हाई कोर्ट के आदेश अनुसार टेक ओवर करने की जो है हाई कोर्ट ने अनुमति दी। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उन्होंने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में जाकर के उसको होटल को अपने कब्जे में लिया है और जो अकाउंट्स का काम है, मैनेजमेंट का काम है, वो हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने उसको लिया है। होटल नॉर्मल रूटीन में वो चलता रहेगा, जो भी बुकिंग्स है और जो टूरिस्ट हैं वो ठहरे हुए हैं या आना जाना या जो फर्दर बुकिंग्स है वो नॉर्मल रूप में जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी। अब आपको बताते हैं कि ये मामला क्या था। तो लंबे वक्त से होटल का मैनेजमेंट ओबेरॉय ग्रुप के पास था और मामला कोर्ट में था और हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 को इस संपत्ति के मामले में हिमाचल सरकार को राहत दी थी। ईस्ट इंडिया होटल, जिसके पास वाइल्ड फ्लावर हॉल का मैनेजमेंट था, उसने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। उस अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। साल 1993 में यहाँ आग लगने से ये होटल तबाह हो गया था। इसे फिर से बनाने और 5-स्टार होटल के तौर पर विकसित करने के लिए ग्लोबल टेंडर मांग की गई थी और टेंडर प्रक्रिया में ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड ने भी हिस्सा लिया। इस कंपनी के पास देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऐसे प्रोजेक्ट चलाने का एक्सपीरियंस था। फिर राज्य सरकार ने ईस्ट इंडिया होटल्स के साथ पार्टनरशिप का फैसला लिया। तय किया गया कि राज्य सरकार की 35% से कम शेयर होल्डिंग नहीं होगी। इसके अलावा EIH की शेयर होल्डिंग भी 36% 36% से कम नहीं होगी। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि EIH को 55% से ज्यादा होल्डिंग नहीं मिलेगी। जमीन सौंपने के बाद 4 साल में भी होटल फंक्शनल नहीं हुआ था। इसके बाद जब कंपनी होटल को चलाने के काबिल नहीं बन पाई तो 2002 में राज्य सरकार ने करार रद्द कर दिया था। अब ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स की शुरुआत मोहन सिंह ओबेरॉय ने की थी। उन्होंने परिवार का पेट पालने के लिए शिमला के सेशल होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम किया था। हालांकि अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने साल 1934 में ओबेरॉय ग्रुप की स्थापना की और अपना पहला होटल खोला। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी के जेवर समेत सभी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी थी, लेकिन जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने होटल की कमाई से सारा कर्ज उतार दिया। ओबेरॉय ग्रुप 32 होटल ऑपरेट करता है। ओबेरॉय होटल्स की वेबसाइट के मुताबिक ग्रुप लग्जरी ओबेरॉय और 5-स्टार ट्राइडेंट ब्रांड के तहत 7 देशों में कारोबार करता है। EIH लिमिटेड यानी पूर्व में ईस्ट इंडिया होटल्स और EIH एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड ओबेरॉय ग्रुप की 2 लिस्टेड कंपनियां हैं। इसके अलावा ग्रुप क्लार्क्स होटल शिमला और मेडेंस होटल नई दिल्ली को भी मैनेज करता है। ग्रुप के पास इजिप्ट में 2 लग्जरी क्रूजर भी हैं। ओबेरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट भारत के अलावा इंडोनेशिया, UAE, मॉरिशस, सऊदी अरब, इजिप्ट, मोरक्को जैसे देशों में है। इतना ही नहीं, ओबेरॉय ग्रुप होटल कारोबार के अलावा फ्लाइट कैटरिंग, एयरपोर्ट रेस्टोरेंट, ट्रैवल और टूर सर्विसेज, किराए पर कार देने के काम में भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कॉरपोरेट एयर चार्टर्स में भी काम करता है।
फिर से कानूनी लड़ाई शुरू हुई है और अब आखिरकार इसमें राज्य सरकार की जीत हुई है। ओबेरॉय ग्रुप की इस कंपनी को फिलहाल तो तगड़ा झटका लगा है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कॉमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।